बुंदेली दर्पण में इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर के भगवा थाने से, जहां पर एफएससी टीम ने कार्यवाही की है। यात्री बस से 26,50,000 रुपए का कैश जब्त हुआ है एक युवक के पास से। युवक छतरपुर से बैंक से चेक द्वारा कैश निकालकर बस से आ रहा था, और इसके बाद पुलिस को सूचना मिली। एफएससी टीम ने भगवा थाने के सामने चेकिंग लगाई, और इसके बाद जब बस को चेक किया गया तो एक बैग से 26,50,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है, और फिलहाल मामले की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। बड़ा मलहरा में उपचुनाव भी हैं, और इतना बड़ा कैश वहां पर इस्तेमाल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बहरहाल पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। कार्यवाही जो एफएससी टीम के द्वारा की गई, उस टीम में टीम प्रभारी महेश यादव, आरक्षक रामजी हरवार एवं राकेश कुशवाहा शामिल हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि यह पैसा घ्वारा के एक गल्ला व्यापारी का है, और उसका मुनीम ये पैसे निकाल कर ला रहा था। उनके पास इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। फिलहाल जांच जारी है। आज शाम को करीब 5-6 बजे ऐसी सूचना मिली कि एक व्यक्ति नंदा ट्रेवल्स बस है जो छतरपुर से ग्वाल की तरफ आ रही थी, उस पर कुछ कैश लेकर के जा रहा है। तो सूचना पर हम लोगों ने एफएसटी टीम को भी सूचित किया, उनको भी मौके पर बुलाया और थाने के सामने नाकाबंदी करके उस बस को रोका। और चेकिंग करने पर एक व्यक्ति काले कलर के बैग में कुछ चीजें रखा हुआ, कैश जैसी चीजें रखा हुआ मिला। तो जिससे पूछने पर उसने बताया कि वो लगभग 26,50,000 रुपए कैश लेकर के छतरपुर से निकाल करके और दोबारा की ओर जा रहा था। सर अभी तक कुल कितनी राशि चुनाव के समय तक जब्त की गई है? पूर्व में लगभग 14,68,000 की राशि एक बार जब्त की गई थी, और अभी इस बार 26,50,000 रुपए की राशि और जब्त की गई है। सर आगे क्या कार्रवाई क्या की जा रही है उसमें? चूंकि चुनाव के समय में 50,000 से ज्यादा का कैश बिना दस्तावेजों के लेकर के चलना मतलब अलाउड नहीं है, और 10,00,000 से ज्यादा का कैश होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित किया गया है हम लोगों के द्वारा जी, और उसे कैश को भी जब्त किया गया है। इनकम टैक्स अधिकारी कार्रवाई करेगा। ओके सर।